हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय ट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एसआरएफ लिमिटेड कंपनी की डिटेल टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि हम यहां देखते हैं, इस कंपनी की शेयर प्राइस 2046 रुपये और आज के दिन 6% की गिरावट देखने को मिली। पिछले 5 दिन में 10% के नेगेटिव रिटर्न दिए, 1 महीनों में 14% के नेगेटिव रिटर्न, 6 महीनों में 15% के नेगेटिव रिटर्न, 1 साल में 35% के पॉजिटिव रिटर्न, 5 सालों में 566% के पॉजिटिव रिटर्न और मैक्सिमम रिटर्न्स की बात करें तो 99,200% के पॉजिटिव रिटर्न दिए हैं। अगर आपने इस स्टॉक को 2003 में ख़रीदा होता तो आपकी इस स्टॉक की जो वैल्यू थी 5 रुपये थी 2003 में, अभी 2,000 रुपये देखने को मिल रहा है। यानी काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न इस कंपनीज ने यहाँ पे दिए हैं। तो क्या इस स्टॉक को हमें खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? तो पहले हम बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न पर, फिर हम बात करेंगे कंपनीज के फंडामेंटल्स पर। तो जैसा कि मंथली टाइम फ्रेम की बात करें तो मंथली टाइम फ्रेम पे ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है 1093 यानी 2,000 रुपये का। अगर 2,000 रुपये का साइकोलॉजी लेवल ब्रेक होता है तो स्टॉक में मेजर गिरावट हमें देखने को मिलेगी, क्योंकि जब पिछली बार भी हमें यही देखने को मिला, स्टॉक में गिरावट हुई। 2,000 रुपये का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ये सपोर्ट लेने के बाद कंटिन्यू तेजी देखने को मिली। और ऑल टाइम हाई की बात करें तो इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई 2,800 रुपये है। वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक वही पुराने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेते हुए देखने को मिला। अगर ये स्टॉक वापस यहाँ पर 1988 रुपये का सपोर्ट लेकर वापस यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है। अगर ये लेवल टूटता है तो और भी हमें गिरावट देखने को मिलेगी। डेली टाइम फ्रेम की बात करें तो डेली टाइम फ्रेम पे भी यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहे हैं और इस स्टॉक में आज काफ़ी बड़ी गिरावट हमें देखने को अभी मिल रही है। तो ये है कंपनीज के टेक्निकल एनालिसिस। अब हम बात कर लेते हैं कंपनीज के फंडामेंटल्स पर। तो जैसे कि कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं तो ये जो कंपनी है, स्पेशलिटीज, इंटरमीडिएट एंड द डाइवर्सिफाइड बिजनेस पोर्टफोलियो, फ्लोरोकेमिकल, स्पेशलिटी केमिकल, पैकिंग फिल्म्स, टेक्निकल टेक्सटाइल एंड कोटेड एंड एमिलेशन फैब्रिक्स में काम कर रही है। केमिकल सेक्टर से 43% का यहाँ रेवेन्यू आता है। और यहाँ पे बात करें अदर पैकेजिंग फिल्म्स बिजनेस से 40% का रेवेन्यू, टेक्निकल टेक्सटाइल बिजनेस से 14% का और अदर बिजनेस से 3% का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी को आता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन 60,000 करोड़ का है। स्टॉक का लो 1488 रुपये, स्टॉक का हाई 2773 रुपये, पी की बात करें तो 32.2 है, बुक वैल्यू 289 रुपये, डिविडेंड यील्ड 0.35% है। कंपनी बहुत कम यहाँ पर डिविडेंड दे रही है। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 24% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 24%, फेस वैल्यू 10 रुपये की है। बात करें प्रॉफिट्स की तो आप यहां देख सकते हो कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस प्रॉफिट काफ़ी शानदार और बढ़ते हुए देखने को मिला। 395 करोड़, 382, 500 करोड़, 600 करोड़ का ऑलमोस्ट प्रॉफिट देखने को मिला है। ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस भी काफ़ी शानदार और अच्छा प्रॉफिट कंपनी अर्न कर रही है। बिजनेस की बात करें बैलेंस शीट पर तो कंपनी का जो रिजर्व है वो भी काफ़ी शानदार और बढ़ते हुए देखने को मिले, 6,700 करोड़, 8,200 करोड़। बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी का जो बोरोइंग्स है 3,600 करोड़ का है। यानी कंपनी का एज ए रिजर्व के कंपेरिजन में बोरोइंग्स काफ़ी कम है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास 50% के स्टेक्स है। FIS ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है 19% का। DIIs की बात करें तो 8% के स्टेक्स हैं। पब्लिक होल्डिंग 20% की। यानी काफ़ी शानदार मल्टीबैगर रिटर्न्स इस कंपनीज ने दिए और कंपनी का जो फंडामेंटल्स है वो भी काफ़ी शानदार हमें देखने को मिल रहा है। अगर हम BSE पर इस स्टॉक के एनालिसिस करते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी ने कब बोनस डिविडेंड दिया है। तो कॉर्पोरेट एक्शंस पे हम आते हैं और डिटेल्स एनालिसिस की हम बात करें तो यहाँ पे कंपनीज ने एक बार बोनस इशू किया है 4:1 का और कंपनी 2001 से कंटिन्यू डिविडेंड भी देती आ रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी के शेयर्स को खरीदते हो तो काफ़ी मल्टीबैगर रिटर्न देखने को मिलेंगे। मेरे भी पोर्टफोलियो में काफ़ी टाइम से ये स्टॉक है। तो क्या आपके पोर्टफोलियो में ये कंपनी के शेयर हैं? नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।